नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों साथ, जो कि अभी के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बता दें कि झारखंड के हेमंत सोरेन यानी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से दिल्ली आवास पर ईडी की पूछताछ, सीएम ने बुलाई आपात बैठक, कांग्रेस ने विधायकों को बुलाया। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर सोमवार को ईडी की टीम पहुंची हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच झारखंड का प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश दिया है। एक तरफ जहां झारखंड के मुख्य सचिव एल सिंह के आपात बैठक बुलाई है, वहीं रांची एसएसपी ने सभी थानेदारों को तलब किया है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी कर 29 से 31 जनवरी के बीच समय 28 जनवरी तक देने को कहा था, लेकिन सीएम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वे 27 जनवरी की रात को ही दिल्ली निकल गए थे। बजरे की जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 10वां समन भेजकर यह तय करने को कहा गया था कि आप 29 से 31 जनवरी के बीच तब समय सारणी तय करके आप बातचीत कर सके, पूछताछ कर सके। लेकिन ऐसे में 29 जनवरी को ही ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन के घर दिल्ली आवास पहुंच गई है। आपको बता दें कि 10वां समन भेजकर पहले की तरह ही ईडी ने फिर लिखा था कि अगर वह बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगी। इससे पहले 22 जनवरी को ईडी ने 9वां समन भेजकर सीएम को पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया था। 25 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर 9वें समन का जवाब दिया था। 9वें समन के बाद ईडी को भेजी चिट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और कहा कि वह इस समन का जवाब बाद में देंगे। इधर ईडी ने 27 जनवरी को मुख्यमंत्री को 10वां समन भी भेज दिया था। तो इतनी ओर रांची के मंत्री जोभा मांझी को नक्सलियों ने घेरने का किया था प्रयास। पुलिस मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट। कोल्लम के पुलिस की परवाही से बचने के लिए नक्सली द्वारा मंत्री जोभा मांझी को घेरने के प्रयास मामले में पुलिस मुख्यालय ने चाईबासा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई 18 जनवरी 2024 को प्रभाव में छपी रिपोर्ट के अनुसार बताया था। आप बताएंगे कि संज्ञान लेते हुए इसके लिए एडीजी अभियान की ओर से चाईबासा पुलिस को पत्राचार किया गया। इस मामले की जाँच कर पूछताछ से पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। तो दूसरी वो झारखंड के कतरास में आयरन स्टोर में लगी आग, करीब 50 लाख का नुकसान, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड के धनबाद जिले के कतरास स्थित भगत सिंह चौक के पास रविवार की रात करीब 8 बजे तिरुपति आयरन स्टोर में अचानक आग लग गया। इससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई है। दमकल की दो गाड़ियां घटना स्थल पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इसकी जानकारी बागवास सीईओ को जैसे ही मिली, बागवास सीईओ ने भी घटनास्थल पहुंचे और आग लगने की जानकारी ली। आग लगने से करीब 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। तो ऐसी वो जेएसएससी के पेपर लीक होने का आरोप, परीक्षा रद्द। झारखंड सामान्य स्थान संयुक्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पहले दिन की परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाया गया है। तीसरे पेपर सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न एक दिन पहले ही लीक हो जाने का आरोप है। अभ्यर्थियों के आरोप को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से गंभीरता से लिया गया है। इसके बाद जेएसएससी ने तृतीय पाली में संपन्न सामान्य ज्ञान की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया है। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रण की ओर से जारी आवश्यक सूचना में कहा गया है कि उस पेपर की परीक्षा की नई तिथि की घोषणा आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र की जाएगी। यह पेपर लीक होने के आरोप में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है मामले की जानकारी आयोग को होने के बाद उस पर त्वरित कार्रवाई की गई। आयोग के उसका असली सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले नजर में पेपर लीक के आरोप को सही पाया गया है। इसी मामले में आयोग ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। संबंधित मामले में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई जाएगी। उल्लेखनीय है कि कल रविवार को राज्य के 735 केंद्रों पर 3 पालियों में परीक्षा ली गई। लगभग 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसी प्रतियोगिता की परीक्षा दूसरी पाली 4 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें लगभग 3,17,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है समान स्थान योग्यताधारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लगभग 6,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं वो रांची के एचईसी आवासीय परिसर में आज बंद रहेंगे बाजार व स्कूल। जारी हैं एचईसी कर्मियों का आंदोलन। जिले के झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी कर्मियों का आंदोलन जारी है। 20 माह के बकाया वेतन भुगतान एवं एचईसी चलाने को लेकर रोड मैप देने सहित अन्य मांगों को लेकर एचईसी कर्मियों का आंदोलन रविवार को 20वें दिन भी जारी रहा। एचईसी अचाव अंजन संघर्ष समिति के आह्वान पर 29 को यानी आज को जेएससी आवासीय परिषद बंद रहने की घोषणा की गई है। एचईसी बचाव जन संघर्ष समिति के
मनोज पाठक ने कहा कि सभी वर्ग के लोगों को मातृ उद्योग HEC को हटाने में सहयोग की अपेक्षा है, इसके लिए हो रहे आंदोलन में सबका समर्थन चाहिए। इसे लेकर कर्मियों ने आवासीय परिसर में परिवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान इलाके में बाजार वस्तु बंद रहेंगे, वाहनों ऑटो का पहचान भी बाधित किया गया है। तो वहीं दूसरी वो बचले के झामु कार्यकर्ताओं को राजभवन मार्च कल कदमा उल्यान स्थित रांची शहीद निर्मल महतो को समाधि स्थल में रविवार को झामु जिला समिति की बैठक हुई थी। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हरतिला के विधायक रामदास सोरेन ने की थी। सोरेन ने कहा कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन भेजाने के बाद झामु कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। रविवार को ईडी की कार्रवाई के विरोध में रांची में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दिन से अगले आदेश तक पार्टी कार्यकर्ता हर दिन राजभवन मार्च करेंगे। इसी क्रम में झामु पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता 30 जनवरी को राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। तो वहीं श्री को झारखंड की 14 नाबालिग समेत 19 लड़कियां दिल्ली में मानव तस्करों से कराई गई मुक्त, दो तस्कर गिरफ्तार। बताया कि झारखंड में मानव तस्करी थम नहीं रही है। 14 नाबालिग समेत 19 लड़कियों को रविवार को दिल्ली में मानव तस्करों से मुक्त कराया गया। इस दौरान दो मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास साधन केंद्र नई दिल्ली एवं साहिबगंज पुलिस द्वारा दो मानव तस्करों को पकड़ा गया है एवं उनके घर से बरामद दस्तावेज के आधार पर 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। इनमें 12 से 15 साल के बीच की 14 बच्चियाँ हैं एवं 5 लड़कियाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। सभी झारखंड के साहिबगंज जिले के बोजियो प्रखंड की हैं। बचले के दो मानव तस्कर किए गए हैं। एक संस्थान नई दिल्ली के नोडल ऑफिसर निचेकता ने बताया कि उन्हें झारखंड के बोरियो पुलिस थाना द्वारा सूचना दी गई थी कि एक मानव तस्कर कई लड़कियों को बहला फुसला कर दिल्ली लाया है। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने थाने से संपर्क कर दोनों मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके घरों पर ही एक बच्ची मिली जिसे वह मानव तस्करी कर दिल्ली लाया था। नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से अभियान चलाकर इन्हें मुक्त कराया गया है। इस कार्य में झारखंड पुलिस को झारखंड भवन नई दिल्ली और दो स्थानीय NGO मिशन मुक्ति फाउंडेशन के संचालक वीरेंद्र कुमार एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के अक्षय पांडे ने काफ़ी मदद की है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी। झारखंड में अलर्ट, CM हाउस। BJP नेताओं के घर दफ्तर पर फोर्स तनाव, जवानों की छुट्टियाँ हुई कैंसर। दिल्ली में ईडी की टीम CM हेमंत सोरेन की आवास पर पहुंची है। CM हेमंत सोरेन नहीं मिले। ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला मामले आवास के अंदर कागजात खंगाल रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली में कहाँ हैं जानकारी नहीं मिल सकी है। इधर रांची में BJP ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर ऐसे जिले जहाँ जमीन का प्रभाव ज़्यादा है, उन जिलों में सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। खबर यह भी है कि कई स्थानों से ट्रेनिंग कर रहे जवानों को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। साथ ही भाजपा के बड़े नेताओं के घर और दफ्तरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर महागठबंधन के विधायकों को रांची आने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि 3 बजे सभी विधायकों की अलग अलग बैठक होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जनवरी की रात 11:30 बजे दिल्ली स्थित आवास पहुँचे थे। देर रात की ही उन्होंने बैठक की थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिव सोरेन के आवास पर भी नहीं है। तो वही वो झारखंड में फिर बारिश की संभावना। आसमान में सुबह से छाए हैं बादल, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलते जा रहा है। 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच बारिश की संभावना है। हालांकि रविवार को भी सुबह से रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले एक दो दिनों में तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 31 जनवरी से बारिश की संभावना है। 2 फरवरी से आसमान में बादल हट लेंगे तो मौसम साफ होगा। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, इससे दिन में ठंड बढ़ेगी। राज्य के चाईबासा में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं गोड्डा का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही रांची, जमशेदपुर, बोकारो आदि जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं श्री वो पलाऊ में होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। झारखंड हाईकोर्ट ने दी अनुमति, कहा आयोजन समिति को करनी होगी सारी व्यवस्था। पलामू में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को झारखंड हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। अब यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच होगा। हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने कहा है कि हनुमंत कथा आयोजन समिति तमाम सुविधा जैसे श्रद्धालुओं के बैठने की जगह, CCTV कैमरा, एम्बुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट आदि की व्यवस्था खुद करेगी।
आयोजन समिति की व्यवस्थाएं क्या होंगी इसे संबंधित एक्शन पलामू उपायुक्त को देने को कहा है। इसी आधार पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर उपयुक्त कंसिडर करेंगे। आयोजन समिति की याचिका पर 24 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पलामू जिला प्रशासन को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। पलामू DCR ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने 29 जनवरी को फिर से सुनवाई करने को लेकर तारीख दी थी। तो दूसरी वो शाम तक आ सकता है झारखंड के सहायक अध्यापक पाठ्यक्रमों का मानदेय। काफ़ी समय से मानदेय अटकला रहा था, लेकिन अब पाठ्यक्रमों का सहायक अध्यापक का मानदेय आज शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज कोई छुट्टी भी नहीं है। आज बैंक की एडवाइज चली गई है, बैंक खुला हुआ है, तो आज कई माध्यमों से बैंक से मानदेय आने की सारी उम्मीदें बताई जा रही है, जो कि झारखंड सहायक अध्यापकों के लिए बताई जा रही है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही है। तो बस की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आज तक मेरी खबर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोबारा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।